एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए जो शिंदे गुट है उन्होंने ऐड लगा दिए कि मोदी फॉर इंडिया, शिंदे जी फॉर महाराष्ट्र, नरेंद्र मोदी देश के लिए, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए। आपको इसके बारे में पता नहीं था और ये कह रहे हैं कि दैट इज द प्रूफ। एक्चुअली वो कहे ना कहे, इससे इंप्रेशन क्या जाता है? देखिए, दैट देयर इज अ फाइट इन बिटवीन एट द टॉप बिटवीन एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस, आप दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देयर इज नो फाइट। शिंदे जी ने दूसरे दिन स्वयं मुझसे बात की और कहा ये गलत ऐड गई है, ये हमारे लोगों ने गलती की है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, शिंदे जी में और मुझ में जिस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो शायद ही किसी कोएलिशन गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं कभी भी उनका जो मान सम्मान और प्रोटोकॉल है उसको तोड़ता नहीं हूँ, और वो कभी मुझे ये फील नहीं होने देते कि मैं डिप्यूटी सीएम। ये जो एक मर्यादा हम दोनों ने साथ में रखी है, इसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे। अब कई बार पार्टियों में थोड़े कम दिमाग के लोग होते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, पर इतनी छोटी गलती पर हम दोनों में डिफरेंस हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, ऐसा अगर किसी को लगता होगा, और हमारे विरोधियों को लगा, एक दो दिन उनको लगा इनमें डिफरेंसेस आएंगे, नहीं आ सकते। क्योंकि हम लोगों ने सरकार एक बड़े विचार से बनाई है, हम लोगों ने सरकार एक बड़े एम के लिए बनाई है। ये कोई सरकार कुर्सियाँ तोड़ने के लिए थोड़ी बनाई है, ये तो एक विद अ बिगर एम हमने बनाई है, और इसलिए देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। नहीं, इसकी एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है इस सवाल का। देयर इज अ पॉलिटिकल फाउंडेशन, एक नींव है, राजनीतिक नींव है। और सवाल वो है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, देश में नहीं महाराष्ट्र में भी। जी बिल्कुल। तो आप मुझे खुलकर बोलिए, क्या आप खुश रहेंगे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा बने? आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था, आपके लिए कैंपेन किया था और कहा था, यू आर नागपुर्स बिगेस्ट गिफ्ट टू द नेशन। और जो स्लोगन उन्होंने दिया था, देश में नरेंद्र, प्रदेश में देवेंद्र, देश में नरेंद्र, प्रदेश में देवेंद्र। क्या वही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहते हुए खुश रहेंगे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री क्यों बने? बीजेपी ने बनाया, इसलिए बने। देवेंद्र फडणवीस का जो वजूद है वो बीजेपी के कारण है। अगर वो वजूद बीजेपी हट जाए तो वो कोई वजूद नहीं है देवेंद्र फडणवीस का। इसलिए मेरी पार्टी मुझे जो कहेगी, मेरी पार्टी ने तो मुझे उप मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान किया। मेरी पार्टी बोलती चपरासी बनो तो भी मैं बन जाता। उस दिन आपने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, आपने कहा था मैं कोई पद में नहीं रहूंगा। मुझे याद है दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने कहा मुझे कोई पद में नहीं रहना। उसके बाद आपके पार्टी के नेता ने हमारे प्रोग्राम पर लाइव कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस, तय क्या हुआ था? मैंने पार्टी को कहा था कि देखिए, एक संदेशा ऐसा जाएगा कि मैं पदों के लिए इतना लालची हूं कि मुख्यमंत्री था और उप मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए मुझे पार्टी का काम दीजिए। और बात भी वही हुई थी, लेकिन बाद में ऊपर हमारे नेताओं में बातचीत हुई और उनको ऐसा लगा कि कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसको चलाना पड़ेगा, चलाने के लिए कोई अनुभवी चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश किया। हाँ, मैं बिल्कुल यह मानता हूँ कि इट वॉज अ शॉक फॉर मी, क्योंकि वॉट वॉज अ शॉक कि उप मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि मेरे माइंडसेट ये पार्टी चलाना, ये माइंडसेट में मैं चला गया था और अचानक मुझे बताया गया। लेकिन आज अगर मुझे पूछेंगे तो मैं मानता हूँ कि मेरे नेताओं का निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि आज मैं वहाँ पर हूँ तो जो हमारा एजेंडा है वो ठीक से चला पा रहा हूँ, हमारी पार्टी को संभाल पा रहा हूँ, हमारी सरकार को मेरे अनुभव का फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय उस समय लिया गया वो बिल्कुल सही निर्णय था।